सो हेलो एवरीवन, देखंतु ए वीडियो रे हम आपनकर हिंदी रो किछि इम्पोर्टेंट एमसी को आलोचना करिया, पूरा फास्ट आलोचना करिया। सो चलंतु स्टार्ट करिया। वीडियो टी निश्चित समस्त पे यूजफुल रहिबा, सो समस्ते देखिबे शेष पर्यंत हला। तो फास्ट तमरो पद्य गोटे देखिया, जोटा कि रही तुम्हारा अनमोल बाणी हला। एक नंबर क्वेश्चन देख, साँच बराबर तप नहीं, ये किसकी रचना है? तो आंसर रहिबो तुम्हार कबीर दास। किसके बराबर तप नहीं, तो तुम आंसर रहिबो साँच। तीन नंबरटी बर्तमान देख, साँच के बराबर क्या नहीं, तो आंसर रहिबो तप। चार नंबर देख, झूठ की तुलना किससे की गई है? आंसर रहिबो पाप। पांच नंबर देख, ताके हृदय आप में आप किसके लिए कहा गया है? तो आंसर रहिबो भगवान। नेक्स्ट देख, छ नंबर, भगवान किसके साथ रहते हैं? तो यार आंसर रहिबो सत्य। सात नंबर देख, कांटा बुने वाले के लिए क्या बुने को कवि ने कहा है? तो आंसर रहिबो फूल। आठ नंबर देख, कांटा क्या बन गया है? तो आंसर रहिबो त्रिशूल। नेक्स्ट देख तुम आठ, सॉरी ये कते नंबर क्वेश्चन देखिया ना, नौ नंबर देख, मालिक कितने घड़े पानी सींचता है? 100। दस नंबर देख, क्या आने पर पेड़ पर फल आती है? तो आंसर रहिबो ऋतु। नेक्स्ट देख तुमर एगार नंबर क्वेश्चन, कृष्ण किसके शिकायत करते हैं, किससे? जो हूँ जशोदा रहिबो आंसर। बार नंबर देख, कौन रिस के मारे खेल नहीं पाते? तो आंसर रहिबो कृष्ण। कृष्ण किसके खिलाफ शिकायत करते हैं? आंसर रहिबो बलराम। किसका रंग श्याम है? तो आंसर रहिबो कृष्ण। कौन जन्म से धूत है? तो पंद्रह आंसर रहिबो बलराम। सोलह नंबर देख, जशोदा किसकी सौगंध खाती है? गोधन की। सत नंबर देख, कृष्ण कहाँ गाते हैं? तो आंसर रहिबो आंगन में। अठ नंबर देख, कृष्ण किसे माखन खिलाते हैं? अठारह आंसर रहिबो प्रतिबिंब को। कृष्ण किसे पुकारते हैं? तो तुम आंसर रहिबो नंद को। पद के रचयिता कौन है? तो आंसर रहिबो सूरदास। नेक्स्ट देख तुम इक्कीस नंबर, कृष्ण खम्बे में क्या देखते हैं? तो आंसर रहिबो अपने प्रतिबिंब को। बाईस नंबर देख, तुलसी के अनुसार किससे सुख उपजता है? आंसर रहिबो मीठे वचन से। किस धन धन के सामने धन दूरी समान होते हैं? आंसर रहिबो संतोष धन। कब रसना नहीं खोलना चाहिए? आंसर है वो रोज के समय। बच्चन कैसे बोलना चाहिए? तो विचार करके रहो आंसर। नेक्स्ट देखो, रहीम जी के अनुसार कौन फल नहीं खाता? तरुबर। सुज्ञान किसके लिए संपत्ति संचय करते हैं? दूसरों के लिए। लोग किसको देखकर लघु छोड़ देते हैं? बड़े को। किसके अपना मांस दिया था? किसने? सो आंसर रहिबो सीबी ने। किसने अपनी हड्डियां दान में दी थी? दधीची ने। इकतीस नंबर देखो, किसके बराबर पाप नहीं? झूठ। बत्तीस देख, जिसके हृदय में सांच है उसके हृदय में कौन है? भगवान। कौन सो घड़े पानी सींचता है? माली। थर्टी फोर देखो, तुझे मोल के लाया गया है, किसने कहा? बलराम। श्याम शरीर का अर्थ क्या है? काला शरीर। कौन चुटकी देकर हंसते हैं? इधर रहिबो गुआ बालक।
नेक्स्ट देखो 37 बलबीर कौन है, आंसर रहा बलराम। 38 देखो माता जशोदा ने किसे मारना सीखा है, सो यार आंसर रहा तुम कृष्ण को। कौन दाऊ पर नहीं खींचती, तो यार आंसर रहा तुम जशोदा। 40 नंबर देखो कृष्ण माखन कहाँ लगाते हैं बदन में, मीठे वचन से चारों और क्या उपजता है, सो 41 आंसर है वो सुख। हमें क्या परिहार करना चाहिए, 42 रहेगा कठोर वचन। किससे श्रेष्ठ धन कहा गया है, संतोष धन, संतोष धन के सामने सब धन किसके समान है, 44 धूरी। मधुर वचन का परिणाम कैसे होता है, 45 हितकर। तरुवर क्या नहीं खाता फल, सरोवर क्या नहीं पीता, 47 पानी। 48 देखो कौन परोपकार के लिए धन का संचय करता है, तो 48 रा आंसर रहइबो तुम्हारा सुज्ञान। बड़े को देखकर किसको त्यागना नहीं चाहिए, तो आंसर रहइबो लघु। 50 नंबर देखो सीबी ने क्या दान दिया, मांस। सोया थिला तुम्हारे देख अनमोल बानी 50 क्वेश्चन तुम देखिए आंसर की भी लक्ष्य कर दे होला। नेक्स्ट आम तुम यार परवर्ती विषय देखिए, सेकेंड चैप्टर तुम कौन रही ना मनुष्यता। यहाँ देख मनुष्यता कविता के कवि कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त। कवि किसने किससे ना डरने की बात करते हैं, तो आंसर है मृत्यु। कवि किसी मृत्यु को प्राप्त करने की बात करते हैं, सुमृत्यु। 4 देखो कौन अमर हो जाता है, दूसरों के लिए जीने वाला। मनुष्य क्या पाकर मंदाद हो जाता है, तो 5 नंबर आंसर है तुम्हारा बीत। नेक्स्ट देखो तुम्हारा 6 नंबर कवि ने किसे बड़ा विवेक माना है, तो 6 नंबर है मनुष्य मात्र बंधु है। 7 नंबर देखो क्या जानकर गर्व नहीं करना चाहिए, 7 नंबर है सामान्य। 7 नंबर सॉरी मु देखो आंसर है सनाथ। कौन हमारे साथ है, 8 नंबर आंसर है तुम्हारा त्रिलोकनाथ। किसके बड़े हाथ हैं, 9 नंबर आंसर है दीन बंधु। 10 नंबर देखो दयालु कौन है, दीन बंधु। कवि ने किससे भाग्यहीन कहा है, 11 नंबर आंसर है तुम्हारा जो अधीर होता है। कवि ने किसे मनुष्य कहा है, मनुष्य के लिए मरने वाला। 13 नंबर आप ही चरे, ये कैसी प्रवृत्ति है, पशु प्रवृत्ति। पुराण पुरुष हमारे ड्यास हैं, 14 आंसर है पिता। वेद किसका प्रमाण देते हैं, अंतर की एकता। यदि बंधु बंधु की त्यथा ना हरे तो क्या हो जाता, 16 आंसर है अनर्थ। नेक्स्ट देखो तुम्हारा 17 नंबर धन मनुष्य को क्या बना देता है, 17 आंसर मंदाद। अपने स्वार्थ के लिए काम करना क्या है, 18 आंसर है पशु प्रवृत्ति। नेक्स्ट 19 देखी दियो दयालु दीनबंधु के हाथ ड्यास हैं, 19 आंसर रहइबो विशाल।
नेक्स्ट देखो 20 नंबर, संसार में मनुष्य का बंधु कौन है? तो मनुष्य। तो यह थी तुम ये चैप्टर एमसीक्यू। वर्तमान आम आउ गोटे चैप्टर एमसीक्यू देखिया है। नेक्स्ट चैप्टर देख तुम एक तीन का कवि कहाँ खड़ा था छत के मुंडेरे पर, तिनका कहाँ से उड़कर आया था? तो 2 नंबर आंसर रहइबो बहुत दूर से। 3 नंबर देखो तिनका कहाँ कर गिरा, 3 नंबर आंसर रहइबो कवि के आँख में। 4 नंबर देखो आँख में तिनका पड़ने पर क्या हुआ, तो 4 नंबर आंसर रहइबो उपर्युक्त सभी। 5 नंबर देख कवि ने किसको ताने दिए, 5 नंबर आंसर रहइबो समझने। 6 नंबर देख कवि कैसे खड़ा था, तो आंसर रहइबो घमंड से। 7 नंबर देख एक तीन का कविता के रचयिता कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध लिखा है ना। 8 नंबर कवि के साथ कौन सी घटना घटी, तो आंसर रहइबो तुम्हारा कवि की आँख में तिनका पड़ा था, डबल आईटा रहइबो तुम्हारा आंसर। 9 नंबर देख कवि क्यों बेचैन हो गए, तो 9 नंबर आंसर रहइबो तुम्हारा आँख में तिनका पड़ने से। 10 देख कवि की आँख में क्यों कवि की आँख क्यों लाल हो गई, तो 10 नंबर आंसर रहइबो तुम्हारा आंसर रहइबो 10 नंबर तिनके पड़ जाने से। अचानक क्या हुआ, तो 11 नंबर आंसर रहइबो एक तिनका कवि की आँख में आकर पड़ा। 12 नंबर देख कवि मन ही मन अपने बारे में क्या सोचता था, तो 12 आंसर रहइबो तुम्हारा उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लोगों ने तिनका कैसे निकाली, तो 13 आंसर रहइबो तुम्हारा कपड़े की मूठ बनाकर। लोग मूठ क्यों देने लगे, तो आंसर रहइबो उपर्युक्त सभी कथन सत्य, जिसको कवि की आँख से तिनका निकल जाए, जिससे कवि की आँख में दर्द कम हो जाए, जिससे कवि की आँख दुखनी बंद हो जाए है। ढब शब्द कैसा है, तो 15 आंसर रहइबो तुम्हारा देशज। 16 देख ढब का अर्थ क्या है, तरीका। दबे पाँव भागना का अर्थ क्या है, तो आंसर रहइबो तुम्हारा आई भी बिना आठ के भाग जाना, धीरे से खिसक जाना, डी रहइबो आंसर है। बर्तमान देख 18 नंबर क्वेश्चन देख कवि को तिनका निकलने पर किसने ताने दिए, तो 18 आंसर रहइबो तुम्हारा उनकी समझने। समझने कब कवि को ताने दिए, तो 19 आंसर रहइबो जब आँख से तिनका निकल गया। नेक्स्ट देखो 20 नंबर कवि की आँख की पीड़ा दूर करने के लिए लोग क्या करने लगे, तो मूठ देने लगे, ट्रिपल आई। आँख में तिनका गिरने से आँख का रंग कैसा हो गया, लाल। कवि की आँख में क्या पड़ गया, तो 22 आंसर है एक तिनका। कवि के मन में कौन सा भाव भरा था, तो 23 आंसर है घमंड। 24 देखो ऐंठ दूर करने के लिए कौन काफी है, तो 24 आंसर है एक तिनका। कौन दबे पाँव भागी, 25 आंसर रहइब एंट। 26 देख कब कवि को आँख लाल हो गई और पीड़ा होने लगी, तो 26 आंसर रहइब जब उनकी आँख में तिनका गिरा। 27 देख आकड़ के साथ कवि कहाँ खड़े थे, तो 27 आंसर रहइब तुम्हारा मुंडेरे पर। 28 नंबर देख कवि क्यों झिझक गया, तो 28 आंसर रहइब तुम्हारा उसे अपनी बेचैनी पर शर्म आने लगी। नेक्स्ट देखो 29 कवि की आँख में तिनका पड़ने से लोगों ने क्या किया, तो 29 आंसर रहइब तुम्हारा आँख में कपड़े की मूठ देने लगे।
तीस नंबर देख कवि की आँख में पड़ा तिनका कैसे निकाला। तीस आंसर हो गया तुम, लोगों ने कपड़े की मूड से तिनका निकाल दिया, ट्रिपल आई। इकतीस देख कवि की समझ ने उसे क्या क्या ताने दिए। तो इकतीस आंसर है तेरा घमंड एक छोटा तिनका भी तोड़ सकता है। बत्तीस देख समझ सबसे क्या तात्पर्य है, बुद्धि का। तैतीस नंबर देखो तिनका किस रूप को प्रकट करता है, सूखी पास का दुकड़ा। चौतीस देख एंट व्यापारी दबे पाँव भागी शब्द का अर्थ क्या है। चौतीस रहा घमंड दूर होना। कवि जब मुंडेरे पर खड़ा था तब क्या हुआ। तो पैंतीस आंसर रहा उनकी आँख में तिनका आकर पड़ा, ट्रिपल आई। छत्तीस नंबर देख तिनका कैसे कवि की आँख में आकर पड़ा। तो छत्तीस आंसर रहा उड़ता हुआ। एंड शब्द का अर्थ क्या है, छत्तीस आंसर रहा अकड़ है। नेक्स्ट देखो थर्टी एट देख कवि की बेचैनी का कारण क्या था। तो थर्टी एट आंसर है उनकी आँख में गिरा हुआ तिनका था। थर्टी नाइन देखो कवि की घर लोग क्या आने क्यों आने लगे। थर्टी नाइन आंसर है वो कवि की आँख में तिनका पड़ने से करा रहे थे। फोर्टी देखो कवि की आँख में कितना तिनका पड़ा, तो आंसर है वो एक। नेक्स्ट देखो इकचालीस घमंड का अर्थ क्या है, गर्व। कौन मुंडेर पर खड़ा था मुंडेरे पर, तो कवि। नेक्स्ट देखो तेयालीस कवि की आँख क्यों दुखने लगी, तो आंसर है उनकी आँख में तिनका पड़ा था। चौरालीस देखो कवि को एंठ दब पाँव भागी जब, तो चौरालीस आंसर है किसी प्रकार से तिनका आँख से निकल गया। पैंतालीस देखो पैंतालीस कौन देखिए मैं कौन सा सर्वनाम है, तो पैंतालीस हो पुरुषवाचक। लोग किसकी मुंह देने लगे, तो पैंतालीस आंसर है कपड़े की। कवि की एंट कैसे भागी, दबे पाँव से। 48 देखो एक दिन का कविता में किसका प्रतीक है, तो 48 कवि का। 49 देखो एक दिन का कविता में तिनका किसका प्रतीक है, तो 49 तुम रहा आंसर लघुता का। नेक्स्ट देखो 50 नंबर कौन दीजिए हमको एक तिनका कविता से क्या सीख मिलती है। तो 50 गोटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा हमें अपनी शक्ति पर अहंकार नहीं करना चाहिए, तो यहाँ रहा तुम फास्ट ऑप्शन आंसर रहा। तो ये तुम ये चैप्टर एम सी क्यू था, बर्तमान देखिया नेक्स्ट चैप्टर कौन सब एम सी क्यू रही। नेक्स्ट देख चांद का झिंगोला तुम रोच तार आंसर मैं डिस्कसन कर। चांद का झिंगोला कविता के कवि कौन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो आंसर है बिहार। उर्वशी महाकाव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया किसे, तो रामहरि सिंह दिनकर। चांद किससे हटकर बैठा, सो आंसर है माता से। हवा कैसे चलती है, सन सन। कौन ठिठुर ठिठुर कर यात्रा पूर्ण करता है, चांद। सातवां नंबर देखो चांद जैसा झिंगोला चाहता है कैसा, उनका। भाड़े में क्या लाने के लिए चांद कहता है, कुर्ता। किसे कहा अरे सलो ने, यार आंसर है माता। चांद कितना चौड़ा दिखता है, आंसर है एक उंगल। ग्यारह नंबर देखो चांद कितना मोटा दिखता है, एक फुट।
चांद कब बढ़ता घटता है? आंसर है वो रोज। किस दिन चांद पूर्ण रूप दिखाई देता है? पूर्णिमा। 14 नंबर देखो, किस दिन चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता? अमावस्या। नेक्स्ट एटा हमारा कितने नंबर गला? 14। 15 नंबर देखो, सफर का अर्थ क्या है? आंसर है वो यात्रा। 16 का अर्थ क्या है? आंसर है वो सुंदर। लगे मत तुझको जादू टोने, ये किसने कहा? माता ने। 18 देखो, माता चांद को कैसा कभी नहीं देखा करती है? एक नाप का। कुशल करे ड्यास, कुशल करे भगवान। 20 देखो, चांद किसके मरने की बात करता है? जाड़े से। भाड़ा का अर्थ क्या है? किराया। चांद कैसा झिंगोला चाहता है? मोटा। नेक्स्ट देखो, हॉट का अर्थ क्या है? जीद। जादू टोना किससे ना लगे? चांद को। भाड़े का कुर्ता लाने को कौन कहता है? चांद। 26 देखो, चांद किस तरह पूरी करता है? ठिठुर ठिठुर कर। 27 देखो, किसका कुशल माँ चाहती है? चांद का। चांद का कुशल कौन करे? भगवान। कौन एक नाम में कभी दिखाई नहीं देता? आंसर है वो चांद। ओके सर, 29 देखो, कौन एक नाम में कभी दिखाई नहीं देता? चांद। 30 देखो, कौन रोज घटता और बढ़ता है? तो आंसर है वो सी चांद। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 1908। शौर्य और वीरता का कवि किन्हें माना जाता है? आंसर है वह रामधारी सिंह। रेणुका कुरुक्षेत्र रश्मि रथी रुबसी किसकी रचना है? रामधारी सिंह। चांद को एक नाप में कौन नहीं देख पाती? आंसर है वह माता। अब तू ही बता, नाप तेरी किस रोज लिबाएं, ये किसने कहा? 35 का आंसर रहेगा माता। ठिठुर ठिठुर कर कौन यात्रा पूरी करता है? चांद। 37 देखो, झिंगोला का अर्थ क्या है? कमीज। 38 देखो, चांद किस चीज के लिए जिद करता है? तो 38 का आंसर है वो झिंगोला। 39 देखो, चांद कब यात्रा पूरी करता है? आंसर है वो 39 रात। 40 देखो, मौसम का अर्थ क्या है? ऋतु। 41 आसमान का पर्यायवाची शब्द क्या है? 41 आंसर है वो आकाश। रोज कौन घटता बढ़ता है? चांद। कौन नाप लेने से डरती है? माता। ऊन किसके बनता है? तो 44 भेड़ की रोए से। 45 देखो, माता किसकी बात सुनती है? तो 45 का आंसर है वो चांद। कुशल का अर्थ क्या है? तो 46 का आंसर है वो मंगल। झिंगोला सिलाने के चांद किससे कहता है? तो 47 का आंसर है वो माता से। 48 देखो, भगवान से किसकी कुशलता की कामना माता करती है? 48 आंसर वह चांद की। माँ किससे डरती है? तो 49 आंसर है तुम्हारा नाप लेने से। सो यह तुम्हारा ये चैप्टर एमसीक्यू, वर्तमान में नेक्स्ट चैप्टर को जीवा। सो यहाँ देखो तुम्हारा नीड का निर्माण। 91 क्वेश्चन देखो, नीड शब्द का अर्थ क्या है? घोंसला। भूमि को किसने घेरा? बादलों ने। 3 नंबर देखो, दिन कैसा हो गया? आंसर है वो रात सा। कौन भयभीत हो गए? जन जन। 5 नंबर देखो, नीड का निर्माण कौन करता है? पक्षी। 6
छः देख भीम कायावान कौन हो कौन है तो छर आंसर रखी सरी ये टे भूल कहीदेली पहाड़ बिटप का पर्यावर्ती क्या है सात नंबर रुम आंसर पेड़ पेड़ अच्छे तो ये आंसर हाँ ए कौन गगन पर गर्भ से उड़ता है पक्षी क्रूद नभ के वज्रदंती में कौन मुस्कुराती है नौ नंबर उषा चिड़िया अपनी चोंच के चोंच में क्या लिए जा रही है तो दस नंबर आंसर है तिंका एगार पवन उचास में की कौन नीचा दिखाती है सो देखो यार आंसर है चिड़िया नास की दुख से किसका सुख नहीं दबता तो बार आंसर है निर्माण घोंसले किसकी किससे विनिर्मित थे तो तेरह आंसर तिंको से रात कैसी थी तो चौदह आंसर है काली नेक्स्ट देखो तुम्हारा पंद्रह नंबर हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कहाँ हुआ था तो पंद्रह आंसर है तुम्हारा इलाहाबाद क्या डगमगाते हैं तो सोलह आंसर है महलगर किसका आह्वान फिर होता है सतर आंसर है तुम्हारा ने है उषा क्या करती है तो आंसर है मुस्कुराती है उन्नीस तक कहाँ से उषा आई तो उन्नीस रची से नेक्स्ट तक कोड़िए नीड का निर्माण कविता के कवि क्या कवि का क्या नाम है तो कोड़िए आंसर है हरिवंश राय बच्चन इक्कीस देख दिन कैसा हो गया तो आंसर है रात सा बाईस देख किसकी निस्तवता ने सृष्टि का नव गान बार बार होता है प्रलय तेईस नंबर देखो क्रोधित आकाश के दांत कैसे हैं वज्रदंत प्रलय का अर्थ क्या है सृष्टि का नाश होना पच्चीस नंबर देखो खग पंक्ति कैसे गाती है कंठ से उठा छब्बीस नंबर देखो उषा की मुस्कान कैसी थी मोहिनी सत्ताईस नंबर देखो बिटप का अर्थ क्या है पेड़ प्रलय की निस्तवता में किसका नवगान सुनाई पड़ता था तो 28 आंसर है तुम्हारा सृष्टि 29 देखो आंधी उठने से नव में क्या छा गया अंधेरा चिड़िया सहेज में किसको नीचा दिखाती है तो 30 रा आंसर है तुम्हारा पवन उचास निशा शब्द का अर्थ क्या है रात घर किससे बनते थे ईंट पत्थर उषा क्या करती है मुस्कुराती नेक्स्ट तो 34 निर्माण का सुख क्यों नहीं होता दबता क्या नहीं होता रात आने से कैसा लग रहा था भय 36 देखो हवा के झोंकों से कौन कांपने लगे पहाड़ नेक्स्ट देखो 37 आशा के विहंगम कैसे छाती फुलाते हैं गर्भ से बड़े बिटप कैसे उखड़ गए जड़ से 39 देखो कण कण किससे भयभीत थे तो आंसर रहेगा तुम्हारा बेटा रात कवि किसका निर्माण करने की बात कर रहे थे नीड तो यह तुम ए विषय सब क्वेश्चन सो भिडियो टी तो तुम शेष पर्यटन देखी थो आशा देख ये तुम आंसर भी गुड़िक रही है सो यहाँ तुम जेहेतु परीक्षा दर्पण बुकटा तुम 2021 जेहेतु पांचटी विषय ही इनक्लूड था तो पाँचटा विषय में आलोचना कले
पद्य विभाग तुम सो बुझीपार सब क्वेश्चन तो पज करके आंसर भाव कि तुम 2x स्पीड में भी देखिपर है। सो समस्त को परीक्षापी बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को शेष पर्यटन देखिए और चैनल ना चैनल को सब्सक्राइब करदे। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।